पिछले एक साल में मैं काफी नई नई जगहें गया और वहां पे रहा, पर उन सब में से मेरा जहां दोबारा जाने का मन है वो है ये दारमा वैली। अब ये कहां है ये तो आप खुद ही देख लो। सूरज की ये चमकती हुई किरणें, टंकियों में जमी हुई पानी की बूंदें, चारों ओर फैली हुई बर्फ, ये इशारा है इस बात का कि आज का दिन हमारी ट्रिप का सबसे अहम दिन है, क्योंकि आज हम बढ़ने वाले हैं अपने आखिरी टारगेट यानी कि पंचाचुली की ओर। What's up people? Welcome to Honey's Vlog. We just had a bath in this chilled river, man. Here at Munsiyari. So after Khali Atop, it's now time to go to our final mission and reach Panchachuli base camps. जा रहे हैं उत्तराखंड के धारचूला में, वहाँ से अपना ट्रैक स्टार्ट करेंगे या फिर टैक्सी लेके जाएंगे अपने लास्ट पॉइंट पे, लास्ट विलेज पे। इसका नाम है दुक्तू विलेज। दुक्तू विलेज से हमारा ट्रैक होगा छोटा सा 3 किलोमीटर का ट्रैक होगा। जो लास्ट विलेज है उसका अभी जो टेम्परेचर है वो -19 है, और उससे बेस कैंप का अगर टेम्परेचर बोलूँ तो -21 -23 होगा। उस टेम्परेचर में -21 और -22 टेम्परेचर में अगर हम रुके और वहाँ से जिंदा वापस आ गए तो वो हमारे लिए अचीवमेंट होगा। तो आज इस अचीवमेंट को अचीव करने के लिए हम निकले हैं मुनसियारी से धारचूला की ओर। पर आज हमारी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमें ये नहीं पता कि धारचूला से आगे दुक्तू तक हमारी गाड़ी जाएगी या नहीं। अगर नहीं तो क्या हमें कोई टैक्सी मिलेगी या नहीं, और अगर टैक्सी मिल भी गई तो क्या बेस कैंप तक रास्ता इस वक्त खुला होगा या नहीं। अब इन सब सवालों के साथ लगभग 5 घंटे इस खूबसूरत रास्ते पे गाड़ी चलाने के बाद हम पहुंच चुके थे धारचूला। अब धारचूला पहुंच के जरूरी था कि सबसे पहले कुछ लोकल लोगों से ली जाए आगे के रास्ते की थोड़ी जानकारी। दुक्तू जा रही है वैसे गाड़ियां से? नहीं जा रही, कहां जाएगी आजकल? दुक्तू भी नहीं जाएगी? अप्रैल में सब ऊपर चले जाते हैं। अच्छा। और अक्टूबर के बाद नवंबर दिसंबर में सब नीचे आ जाते हैं। अच्छा। ऊपर कोई नहीं रहेगा, मतलब ये ग्लेशियर का खतरा होता है ना। हां, ग्लेशियर आने का खतरा होता है। अच्छा, तो दिस इज द सिनेरियो मैन, इट्स काइंड ऑफ डिफिकल्ट टू गो देयर एट द मोमेंट बिकॉज़ everybody living in Dukhtu village, they've just come down because of the ice. Plus you have the danger of sliding glacier or an avalanche. अब इन सब बातचीत के बाद हम पहुंचे अपने रेस्ट हाउस, जिसकी खासियत ये थी कि हमारी बालकनी के ठीक सामने था नेपाल। Across the river, that's all Nepal. So we can see Nepal from our balcony. That's the best part. अब रात भर इस बालकनी में बैठ के नेपाल को निहारने के बाद हमने फैसला लिया कि कल सुबह का नाश्ता नेपाल में ही किया जाए। We're gonna have our breakfast in Nepal. Nepal is like a bridge away from us. A bridge away. ओए, ये तो पहली फॉरेन विजिट हो गई भाई। अब इन तिब्बतियन फ्लैग से सजे इस पतले से ब्रिज को पार करके हम पहुंचे नेपाल। So basically this river is the division between India and Nepal. That side it's India, the other side of the river, this part where we are standing at the moment, this is Nepal. नेपाल आने की मेरी कई साल पुरानी तमन्ना आज हो गई थी पूरी। इसी खुशी में नेपाल के पॉपुलर सूप और मोमोज खा के हम पहुंचे वापस धारचूला, जहां से अब हमें निकलना था अपने फाइनल टारगेट यानी कि पंचाचुली की ओर। ये कैलाश का रास्ता, हमारा कैलाश मानसरोवर का यही रूट है? यही रूट है। अच्छा जी, तो ये छोटा कैलाश बड़ा कैलाश सभी इसी रूट पे पड़ता है। इस सफर पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि दुक्तू विलेज पहुंचने के लिए जिस रास्ते से हमें गुजरना है उसे कहते हैं दारमा वैली। दारमा वैली हिमालय की कुछ उन वैलीज में से एक है जिसके बारे में लोगों को कुछ ज्यादा नहीं पता है। अब दारमा वैली में घुसते ही जैसे हमारी आंखों के आगे के नजारे ही बदल गए। अब चाहे ये 2000 फीट लंबा झरना हो या बर्फ से ढके हिमालय के ये पहाड़, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को काटकर बने कच्चे रास्ते हो या फिर श्रीगिला डैम पर बनी एकदम शुद्ध पानी की ये झील, ऐसा लग रहा था कि कुदरत ने बड़ा समय लेकर इस जगह को बनाया है। इसी बीच हम पहुंचे दारमा वैली के पहले गाँव में, जिसका नाम है खेत गाँव। कैसा लगी वैली तेरे को? अच्छी है भाई, अभी तक तो अभी तक अच्छी है। सच्चा, बाकी क्या हाल है? सही है। तो देयर इज अ बिग इशू गोइंग विद साशा स्टमक। साशा की ना जिंदगी में रोज कोई ना कोई दिक्कत आ जाती है। आज की दिक्कत तो सबसे बड़ी है। आज की दिक्कत क्या है कि गैस
जम गई है पेट। तो ऊपर कहाँ तक खुला होगा आप लोग ना रास्ता हो तो उर्थिंग दी जाओ उससे आगे तो बर्फ है उससे आगे बर्फ है। वो भी जीसीबी ने रास्ता बनाया था होगा तब उर्थिंग तक पहुंच सकते हैं आप लोग। अच्छा नहीं तो नहीं। अब सच बताऊं तो लोगों से बात करके हम एक बात समझ चुके थे कि इस बार पंचाचुली बेस कैंप तक पहुंचने का हमारा सपना अधूरा ही रह जाएगा। पर फिर भी लोगों की बातों को इग्नोर करते हुए हम बढ़ रहे थे धारमा वैली में, जहां खतरनाक ऑफ रोडिंग, वाटर लॉगिंग, लैंड स्लाइडिंग, ग्लेशियर स्लाइडिंग जैसे ना जाने कितने खतरे थे। पर इस वक्त जो हम देख पा रहे थे वो थी सिर्फ इस घाटी की सुंदरता और कुछ दिल छू लेने वाले नजारे। खाबों को बांधे नहीं रे, कभी नहीं रे, मिट्टी की परतों को नन्हे से अंकुर भी चीरे, धीरे धीरे इरादे हरे भरे जिनके सीनों में घर करे, वो दिल सुने करे ना डरे ना डरे, आजादिया आजादिया मांगे ना कभी मिले। भाई नदी देख यार, मैं पूरे रास्ते में ना सिर्फ इस चीज़ को देखते हुए आया हूँ। हाँ भाई, जो सुकून का सबसे पहला वो होता है ना, पहली सीढ़ी होती है पहाड़ों में, वो होती है नदी। सोच उस नदी के पास अगर तू बैठेगा तो तेरे को क्या फीलिंग, क्या फीलिंग होगी भाई। इस घाटी को पूरी तरह एंजॉय करने के बाद हम पहुंच गए एक ऐसी जगह जहाँ से शायद ये गाड़ी आगे ना जा पाए। सो द सिनेरियो इज आवर कार कैन गो टिल हियर ओनली, बट आफ्टर दिस that waterfall is frozen, can you believe? अब यहाँ से हमारा पहला टास्क था इस जमे हुए वाटरफॉल को पार करना। पर इसे पार करने में जिस चीज से हमें सबसे ज्यादा खतरा था वो थी कभी भी ऊपर से फिसल के नीचे आने वाली सख्त बर्फ। क्या सीन है, भागना पड़ेगा क्या? हाँ, स्लाइडिंग हुआ अभी देखा आपने? हो रहा भाई, कुछ हो रहा। My shoes are already wet now. मैं खड़ा हुआ ना वहाँ पे, तो खड़े होके मैं सेल्फी लेने का ट्राई कर रहा था भाई, एक फोटो खींची दूसरे के लिए ट्राई कर, ऊपर बर्फ लगी मेरे सर पे इतनी तेज लगी, मैंने कहा भागो यहाँ से, भागने के चक्कर में पूरा पैर भिगा लिया। एंड आई वाज लिटरली टेलिंग पांडे डू नॉट स्टे देयर, इट कैन फॉल डाउन, एंड ऑल ऑफ अ सडन द एंटायर अस केम डाउन ऑन हिम। अब यहाँ से शुरू होता है हमारा असली सफर, ऐसा सफर जिसमें हमारे पास ना तो कोई प्लान है और ना ही आगे की पूरी जानकारी। बस हमें इतना पता है कि जहाँ तक चलना पॉसिबल होगा हम वहाँ तक जाएंगे। अब लगभग आधे घंटे ऐसी कई चट्टाने और बहते हुए पानी को पार करके हम पहुँचे उर्थिंग। आज के टाइम पे स्टेशन है हमारा यही लास्ट। अच्छा, लास्ट यही है। इससे आगे ऑफ, इसके आगे बस पैदल, इससे आगे ऑफ है। बाय द वे दिस इज उर्थिंग, दिस इज द लास्ट पॉइंट टिल वे पीपल आर गोइंग। अब उर्थिंग पहुँच के हमें मिला ये छोटा सा पहाड़ी कुत्ता, जो शायद इन फौजियों के साथ चीन बॉर्डर से वापस आ रहा था। इसके अलावा मुझे लाइफ में पहली बार मिला इंडियन आर्मी के कुछ जवानों से बातचीत करने का मौका। इधर आज तो बालिंग से आए, जैसे धाकड़ से आ रहे। धाकड़ वो दुक्तू के पास है, दुक्तू से 12 किलोमीटर आगे। अच्छा, तो आप आए कैसे वहाँ से? पैदल, बहुत ऊंची बर्फ बता रहे हैं, आगे कहाँ तक जा सकते? पैदल तो फिर आप जाओ, चलो सेला से थोड़ा पीछे तक जा सकते, सेला से पहले 16 से ही आधे किलोमीटर आगे, क्योंकि जो आप जा रहे जाएंगे ना सर, शीशा होगा आइस, अगर आप पैर रख दें मेरे दुबई में पूरे बजे नहीं है। इन फौजियों ने हमें बताया कि हम ज्यादा से ज्यादा यहाँ से अगले गांव यानी कि सेला से थोड़ा पहले तक पैदल जा सकते हैं। ऐसे में मैगी की थोड़ी एनर्जी लेके हम दोबारा निकल पड़े अपने पैदल सफर पे। तुम बड़े चलो। सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं। The icy path starts from this point.
Oh, look at this glass. This glass, man. Look at this frozen water. देखा पंडे ऐसा कभी? इतना फ्रीजिंग कोल्ड तुमने देखा भाई? मतलब गिरता हुआ पानी जाऊंगा कितना टेम्परेचर यहाँ पे डाउन होता होगा, यू कैन जस्ट इमेजिन। इस नज़ारे को देखकर हम खुश थे पर उससे कई ज़्यादा दुखी भी। दुख इस बात का कि हमें अपना ये सफ़र यहीं ख़त्म करना होगा। वजह चाहे यहाँ की बर्फ़ हो या समय की कमी या फिर अपने थके हुए दोस्त, कुछ भी कह लो पर सच यही था कि हम अपने टारगेट तक पहुँचने में फेल हो चुके थे। This is where we reach, man. This is the nearest we reach to Panchajuli. Otherwise, on regular days in March, in April, May, June, you can go till base camp. But the route goes from here to Duktu village. From there, it's a 2-hour trek, and you can easily walk to Panchajuli. But this is December. अब भले ही इस बार हम Panchajuli तक ना पहुंच पाए हों, पर यहाँ वापस आकर Panchajuli base camp तक पहुंचने की वजह हमें मिल चुकी थी। वो वजह थी ये less explored Dharma Valley, जहाँ हर चीज कुदरत ने बड़ी तराश के बनाई थी, जहाँ दिल से ज्यादा हमारी आंखों को मिल रहा था सुकून, जहाँ इस नदी के शोर में भी एक खामोशी सी थी, जहाँ आके हम भूल चुके थे सारी टेंशन और जहाँ का होकर रह जाने को कर रहा था मन। ट्रस्ट मी, वी हैड अ लॉट ऑफ फन, बट ऑन द सेम टाइम वी न्यू वी हैड टू रन, बिकॉज इन फ्रंट ऑफ अस देयर वाज अ सेटिंग सन। तो ये था उत्तराखंड का हमारा सफर। जाने से पहले हमारे मन में ना जाने कितने सवाल थे, पर शायद उन सभी सवालों का जवाब हमें मिल चुका है। अब मैं तो हो चुका हूँ उत्तराखंड का सबसे बड़े वाला फैन। इफ यू फील व्हाट आई कैन। ये लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क इसने कब लिया? जब इसको इसको पहले से पता था कि हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ पे टेम्परेचर का इशू रहेगा कि हीट टेम्परेचर गिर रहा है, उसके बाद भी 3 दिन पहले ही जस्ट शेव्ड ऑफ हिज हेड। अगर मेरे को हेड शेव कराना है भाई, मैं यहाँ नहीं आऊँगा। ही टोल्ड अस देयर इज अ हिल व्हिच इज फिल्ड बाय मैरिजुआना प्लांट्स, तो कहते हैं मलाना से अच्छा माल हमारे यहाँ है, वो भी शंकर जी का पर्वत है, तो आई कैन बिलीव दैट, है ना। ऐसे भी तिब्बत कोई जाने देता है? कोई से नहीं पॉसिबल। शेला से आगे निकल के दिखा देना। हां, शेला से आगे नहीं जा सकते हैं। नहीं दिखा सकते हैं, यहां दिखेगा ही नहीं। नहीं रोकेंगे, वो बर्फ रोक देगी आपको। नहीं नहीं, मैं वैसे बोल रहा हूं। इट्स अ स्मॉल अपील फ्रॉम माय साइड, नॉट लिटर गार्बेज इन माउंटेंस व्हेन यू कम टू द माउंटेंस, बिकॉज़ दिस इज व्हाट हैपेंस देन। दिस काउ इज ईटिंग the garbage, man. And what will happen after that? God knows. And the cow knows.